और मलाइका का रिश्ता क्या कपल नहीं है एक दूसरे के वास्ते? मन मुटाव है या हो चुका है ब्रेकअप? क्यों नजर चुरा रहे हैं बी टाउन के फेमस कपल? दोस्तों, बॉलीवुड में रिश्ते बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती। एक तरफ फैंस किसी कपल के साथ रहने की उम्मीदें करते हैं, तो वही मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप का वेट कर रहे हैं। जी हाँ, हर महीने मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप की खबर परवान चढ़ती है। फिर दोनों साथ में दिखाई देते तो मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन इस साल की शुरुआत से ही लोगों के मन में एक सवाल है कि इन दोनों के रिश्ते का सच क्या है? क्या सच में दोनों का ब्रेकअप हो गया है या दोनों के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है? ये सवाल तो दोनों के फैंस के मन में पिछले काफी समय से है। हालांकि अपने रिश्ते को लेकर दोनों ने मौन धारण किया हुआ है। अब ब्रेकअप रूमर्स के बीच मल्ला जब बॉयफ्रेंड अर्जुन के बर्थडे पर दिखाई नहीं दी तो बवाल मच गया। लोगों ने ये मान लिया कि कपल अलग हो चुके हैं। अरे, जब बर्थडे पर फैमिली से लेकर बॉलीवुड स्टार तक मौजूद थे तो अर्जुन की मलाइका भला क्यों नहीं आई? दोस्तों, बीते दिनों 26 जून को अर्जुन कपूर 39 साल के हो गए हैं और इस खुशी में उन्होंने बी टाउन स्टार्स को बर्थडे बैच का न्योता भेजा, जहां पार्टी के लिए जानवी कपूर, शनाया कपूर, मोहित मारवा, संजय कपूर, महीप कपूर जैसे सेलिब्रिटीज को एक्टर के घर के बाहर स्पॉट किया गया। लेकिन अर्जुन कपूर की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा कहीं नजर नहीं आई। अब अर्जुन कपूर की पार्टी में मलाइका अरोड़ा की गैर मौजूदगी को फैंस अपनी अपनी नजर से देख रहे हैं। कुछ का कहना है कि इनका ब्रेकअप हो गया है, कुछ का मानना है कि दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। वेल, जहां अर्जुन अपनी लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं, वही मलाइका ने क्रिप्टिक स्टोरी लगाकर आग में घी डालने का काम किया है। मल्ला ने स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, आई लाइक पीपल दैट आई कैन ट्रस्ट विद माई क्लोज्ड आईज एंड माई बैक टर्न्ड। दोस्तों, आपको बता दें, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल भी किया, लेकिन अभी तक शादी के बंधन में बंधने का फैसला नहीं किया है और अभी के हालातों को देखकर लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। वेल दोस्तों, मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर के रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।